हर एक रिसोर्सवासियों को अपने दिल में बैठा कर हर एक मुश्किलात का सामना करके अपनी कंपनी अजंता फार्मा को पूरी दुनिया की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले हर एक रिसोर्सवासियों को सुख शांति समृद्धि प्रदान करने की मंशा रखने वाले हमारे रिसोर्ट के 3 सुपुत्र मन्नालाल जी अग्रवाल, पुरुषोत्तम जी अग्रवाल और मधुसूदन जी अग्रवाल को सभी रिसोर्ट वासियों के तरफ से सादर प्रणाम। कोरोना जैसी महामारी में जो संस्था रिसोर्ट के लिए संकट मोचक बन के आई, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षा, रोजगार, जनजागृति और भी कई उपक्रमों से समता फाउंडेशन ने रिसोर्ट की मदद की है और रिसोर्ट को नई बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया है। उसके लिए हर एक रिसोर्ट वासी समता फाउंडेशन को सलाम ठोकता है। मैं मधुसूदन अग्रवाल आपका गांव का रिसोर्ट का ही रहने वाला हूँ, वही हमारी पैदाइश हुई। हम 3 भाई हैं, सबसे बड़े भाई साहब मन्नालाल जी, बीच वाले भाई साहब पुरुषोत्तम जी और मैं सबसे छोटा मधुसूदन। मेरे पिताजी भगवान दास जी रिसोर्ट में कपड़े की दुकान चलाते थे और बचपने से मेरी माँ का नाम गंगाबाई था। भगवान दास जी और गंगाबाई पूरे रिसोर्ट शहर में, रिसोर्ट गांव में बहुत पुण्य का काम करते थे। कोई भी आया उसको खाना खिलाना, अपने घर में बुलाना, संत अमरदास बाबा का मंदिर है हमारे यहाँ पर, बहुत मानते थे सब जने, वहाँ जाके सेवा करना। कोई भी गरीब आया घर में, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लेडी आती थी, एक बर्तन लेके आती थी, मेरी माँ का नाम गंगाबाई था, बोलते गंगाबाई ये आप बर्तन रख लीजिए, 100 रुपये दे दीजिए। मराठी में बोलते थे भांडे ठेवून गया, 100 रुपये दिया कशासाठी, तो मैंने 3 दिवसापासून घरी चूलच नाही जळाली, खाना ही नहीं खिलाया, फिर क्या किया, बच्चों को भूखा रखा, नहीं बोले वो कुछ पानी में कुछ मिला के वो सत्तू वगैरह क्या बोलते वो पिला दिया। माँ बोलती थी मधु अंदर जा, 100 रुपये ला के दे उसको। फिर और आपका हस्बैंड काम नहीं करता क्या, नहीं नहीं बोले, उसकी नौकरी छूट गई। ठीक है कोई बात नहीं, मधु के पिताजी आएंगे शाम को, मैं उनको बोलूंगी आपके हस्बैंड को काम दे देंगे। ये इतनी दया उनके मन में, अपने स्वार्थ को छोड़ के अपनी तबीयत का ध्यान न रखते हुए भी दूसरों के यहाँ कई बीमारी का मालूम पड़ा तो जा जाके उनकी सेवा करते थे। मेरे पिताजी भी वैसे ही थे, गांव में किसी के यहाँ भी कुछ भी झंझट हो गई, किसी झगड़े हो गए भाई भाई के, सब जने बोलते थे भगवान दास जी को बुला लो, वो सब न्याय कर देंगे सबके साथ। तो ऐसे माँ बाप के बच्चे मधुसूदन, मन्नालाल, पुरुषोत्तम, तीनों जनों ने इस गांव से निकल के, पुरुषोत्तम भैया ने यहाँ से निकल के अजंता फार्मा शुरू किया, बी फार्म किया। एक जो अगर कोई आदमी परिवार का आगे बढ़ता है, उन्होंने एजुकेशन लिया बोल के वो औरंगाबाद में जाके फैक्ट्री लगा लिया, फिर मैं भी उनको ज्वाइन हो गया। फिर बड़े भाई साहब तब पिताजी के साथ कपड़े की दुकान में रिसोर्ट में ही रहते थे, माँ हमारे पास रहती थी, पिताजी बड़े भाई साहब के साथ रहते थे। एक दिन हम दोनों भाई बैठ के सोचे औरंगाबाद में कि ये तो गलत हो गया, अपने माँ पिताजी को इस उम्र में अलग अलग कर दिया, तो अपन भाई साहब को भी बुला लेते हैं। और 3 भाई है, त्रिवेणी संगम हो जाएगा। मैं मार्केटिंग देखता था, पुरुषोत्तम भैया टेक्निकल थे और बड़े भाई साहब का फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज है, मेरे ताऊजी ने भी सिखाया उनको, तो हम सब त्रिवेणी संगम मिलके अच्छा कुछ कर सकते हैं। पिताजी का सारा यहाँ का कपड़े का बड़े भाई साहब के दुकान बंद करके औरंगाबाद आ गए। तब से लेकर आज तक तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ नीयतें भी साथ देती है। दवाई का बिजनेस क्वालिटी बनाए, अजंता फार्मा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मुंबई से शिफ्ट हो गया मैं, पूरा परिवार बॉम्बे आ गया, फिर बच्चे बड़े हो गए, हम गांव में पढ़े हुए मराठी मीडियम में, हमारे यहाँ तो कॉलेज भी नहीं थी, हम नागपुर जाके पढ़े। मैन पुरुषोत्तम भैया बड़े भाई साहब अमरावती में पढ़े, बीकॉम किया उन्होंने। बट हमने डिसाइड किया, मेरे पिताजी हरदम बोलते थे कि ये कोई अशिक्षित आदमी है तो रोज किसी के सामने जाके हाथ फैलाएगा कि मेरे कुछ दे दो, क्योंकि वो शिक्षण नहीं लिया उसने। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत जरूरी है, बोलते थे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। कितना जरूरी है अच्छा हेल्थ रहना, तो हम हेल्थ केयर में आ गए। और फिर इम्पोर्टेंट है कि पैसे होना चाहिए आदमी के पास, पैसे तो आप कब कमाएंगे जब आप एजुकेटेड है। पुरुषोत्तम भैया एजुकेटेड थे, अजंता फार्मा शुरू हुई, बच्चों को हमने अमेरिका भेजा। पहला बेटा बड़े भाई साहब का बड़ा बेटा योगेश अमेरिका पढ़ने भेजा, 4 साल वो रह के अमेरिका से बहुत अच्छा एजुकेशन लेके आया। जिस दिन वो आया उस दिन दूसरे दोनों को भी भेजा, रवि और राजेश को।
अब योगेश आया तो उसको बोला बेटा अभी आप ये संभालो, अब हम तो सब ओल्ड होते जा रहे हैं, आपको ही संभालना है काम। जिस दिन से योगेश ने अजंता फार्मा का काम देखना शुरू किया, नए डायरेक्शन में चले गया अजंता फार्मा, और हम सब लोगों को अपने नेक्स्ट जनरेशन के बच्चों पे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है कि इतने अच्छे बच्चे निकले, क्योंकि उनको संस्कार ही ऐसे थे घर में कि हमको कभी किसी को फंसाना नहीं है, हमको कभी झूठ बोलना नहीं है, हमको कभी किसी के अन्याय नहीं करना है किसी पे, हमको समाज को वापस देना है। जब आपके मन में इतनी करुणा है और अपना अपनी इतनी अच्छी भावना है, तो उस भावना से लेकर बच्चों ने भी आगे बढ़ाया, और अब हम तीनों भाई कुछ ना कुछ परिवार के अंदर ऐसे चलते रहता है, होते रहता है। तो समता भाभी जी की अचानक 12 साल पहले ब्लड कैंसर से डेथ हो गई। पुरुषोत्तम जी ने उस दिन समता फाउंडेशन का निर्माण किया। तब से लेकर आज तक 12 साल में समता फाउंडेशन कैटरेक्ट के ऑपरेशन करवाती है, माल न्यूट्रिशन करती है, ट्राइबल एरिया के अंदर जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ समता फाउंडेशन के लोग जाते हैं। रिसोड शहर में भी आप सबको पता है समता फाउंडेशन ने क्या क्या करके स्वच्छता अभियान चलाया, पिंगलाक्ष देवी के लेक क्लीन की, झाड़ लगवा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कैटरेक्ट के तो 1,00,000 ऑपरेशन हर साल हो जाएंगे, इतना सारा काम समता फाउंडेशन कर रहे हैं। बहुत दिन से इच्छा थी कि हम दवाई के बिजनेस में तो हमारा एक हॉस्पिटल होना चाहिए, तो फिर हम हक से किसी को लेके आ सकते हैं रिसोर्ट और बोल सकते कि चलो। अब बड़े बड़े कंसल्टेंट है, उनको समय ही नहीं है मुंबई के अंदर। अब अपना हॉस्पिटल हो गया, यहाँ संजीवनी मेरे एक दोस्त का हॉस्पिटल था, हमने उसको लेके अच्छा सुंदर बना लिया एकदम, जिसमें मैं भी अपनी इलाज करा सकता हूँ। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर ज्वाइन हो गए, तो उनको सबको मैंने रिक्वेस्ट किया। तो सितंबर में हम यहाँ पर आए थे, हमने एक कैंप किया, उस दिन 2 दिन में 1,000 लोग आए थे, 950 से 1,000 लोग आए थे। और जितने आए, जिसमें से जिनको ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की, जिनको कैटरेक्ट की ज़रूरत थी उनके आँखों के ऑपरेशन करवा दिए, जिनको दूसरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी वो करवा दिए, 2 लोग हिप रिप्लेसमेंट के लिए मुंबई आए, और मैं खुद उनसे मिलने गया ऑपरेशन होने के बाद में, आपको कैसे लग रहा है। और हमने 1 रुपया भी नहीं चार्ज किया उनको, किसी को भी, घर से निकल के वापस घर को आने तक। वो यहाँ पर ही इसी शहर में आपके, आप पूछ लीजिए उनको। और ये सब जब हमने पहले कैंप के लोगों का ट्रीटमेंट करा दिया, तब हमने डिसाइड किया कि पुरुषोत्तम जी जिन्होंने अजंता फार्मा शुरू की थी, मेरे बड़े भाई साहब, उनका 74वां जन्मदिन है 14 दिसंबर को, तो चलो चलते हैं, फिर चलते हैं। एक अमेरिका से डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर राजलाला, वो भेंगी आके कटे हुए होट और कोई भी चेहरा जल गया, कुछ हो गया तो उसके प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, सालों से आते हो यहाँ पर, तो उनको हम यहाँ लेके आते क्योंकि यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ आके देख लेते पेशेंट को और उनको सब हम लेके औरंगाबाद लेके जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते। फिर हमारा फोकस है कैंसर, कैंसर के अंदर बोलते हैं अगर जल्दी कोई पता चल जाता है तो उसकी जान बच जाती है, फिर स्टेज 1 बोलते हैं उसको, स्टेज 2 भी है तो कोई हरकत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। लेडीज लोगों को ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है और सर्वाइकल जिसको बोलते हैं गर्भाशय का कैंसर होता है, 50% लेडीज की डेथ ये कैंसर की वजह से होती है, ब्रेस्ट के और इसके। और इतना इजी है अगर आप अपने हाथ से चेक कर लो कि कहीं गठान है क्या करके, तो आपको पता चल जाएगा है, तो झट से डॉक्टर को बात कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। ममता एंड मधुसूदन अग्रवाल फाउंडेशन मैंने बनाया, समता फाउंडेशन चल रहा है, एक अजंता फाउंडेशन चल रहा है, एक मनीषा योगेश अग्रवाल फाउंडेशन चल रहा है, सब जने लगे हुए हैं कि हम वापस दे समाज को। तो ममता मधुसूदन अग्रवाल फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि मेरे समता भाभी जी की डेथ कैंसर से हुई, तो हम कैंसर के ऊपर काम करेंगे। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे डॉक्टर ज्वाइन हो गए, डॉक्टर अशोक मेहता टाटा कैंसर हॉस्पिटल में काम किए 60 ईयर्स के एज तक, फिर 20 साल उन्होंने ब्रह्म कुमारी में काम किया, अभी हमारे साथ जुड़ गए, 5-5, 6-6 घंटे के हेड एंड नेक की सर्जरी करते। रिसोड़ वासियों को सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज के इस कैंप के अंदर कि आप अपना जल्दी से जल्दी चेकिंग करवाते रहिए ऊपर के ऊपर। अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं है, ये जो वैन आके खड़ी हुई है लेडीज लोगों के लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए, यहाँ मेमोग्राफी की वैन खड़ी है, जेंट्स लोगों के लिए यहाँ पर डेंटल की एक वैन खड़ी हुई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नई टेक्नोलॉजी से झट से मालूम पड़ जाएगा कि आपके माउथ के अंदर अंदर छुपे हुआ कहीं ट्यूमर है क्या करके। दूसरी एक कैंसर के अलावा यहाँ पर हिप और नी रिप्लेसमेंट के लिए हमने स्पेशलिस्ट आए हुए डॉक्टर नारायण खंडेलवाल, और बहुत गर्व की बात है ये बताने के लिए आप सबको कि प्रियंका चोपड़ा इतनी फेमस फिल्म स्टार है बॉलीवुड की, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी माँ जो गायनेकोलॉजिस्ट है खुद, डॉक्टर मधु चोपड़ा नाम है उनका,
वो भी आज बोले कि मैं भी चलूंगी भाई साहब आपके साथ में, मैं भी गांव में जाके आपके सेवा करूंगी। बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये जो आपके पुत्र हैं, गौरवशाली पुत्र श्री मधुसूदन अग्रवाल ने इतना बढ़िया कार्य को साकार किया है अपने रिसोर्ट को कैंसर मुक्त करने के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों की स्क्रीनिंग करें, आपकी जांच करें, और यदि ज़रूरत पड़ी तो आपका इलाज पे भी हम भरपूर सहायता करेंगे। मेरे प्रिय रिसोर्ट के भाइयों और बहनों नमस्कार, मैं संजीवनी ममता अस्पताल से कमलेश बहन हूँ। मैं आप सभी से एक विनम्र अनुरोध कर रही हूँ कि कृपा आगे बढ़ें और खुद को कैंसर के लिए जांच करवाएं। कृपा अपने प्रिय जनों को भी प्रेरित करें, हिचकिचाएं नहीं, बचाव इलाज से बेहतर है। हम आपके साथ हैं और वादा करते हैं कि आपके इलाज की सारी जिम्मेवारी ममता एंड मधुसूदन अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा होगी। कैंसर से संघर्ष करना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे पहले ही पहचान लें तो हमें इसका सही इलाज करने का समय मिल सकता है। नमस्कार, मी डॉक्टर श्रुति राव संजीवनी ममता हॉस्पिटल ची MD फिजिशियन आहे। माझं प्रिय रिसोर्ट वासियों, कैंसर या आजाराचे वेळीच निदान झाल्या त्यावर पूर्णपणे उपचार होऊ शकते। आम्ही संजीवनी ममता हॉस्पिटल मध्ये एवं ममता मधुसूदन फाउंडेशन मध्ये कॅन्सरच्या रुग्णाला त्याचे प्रत्येक पातळीवर मदत व मार्गदर्शन करू इच्छितो। रिक्वेस्ट क्या है, जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारी ट्रीटमेंट नहीं हुई करके, और हमको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो हम आपके गांव के, हम यहाँ से निकल के आज ईश्वर की कृपा है हमारे पे, हमारे पूरे परिवार पे, कि हम मुंबई में जाके बस गए और वहाँ हॉस्पिटल मिल गया, दवाई का काम करते हैं, इतने रिसोर्सेस है भगवान के दिए हुए, इतने ये है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप अपना जल्दी से जल्दी चेकिंग करवा लीजिए, ऊपर के ऊपर बताते रहिए, अपने हाथ से ही चेकिंग कर लीजिए कि कहीं गांठ है क्या। लेडीज़ लोगों के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट है, शर्माना और ये सब करना और हस्बैंड पति को भी नहीं बताना या कोई दोस्त को नहीं बताना, ये गलत हो जाएगा। तो आपको अपनी सेल्फ चेकिंग करना है, आपको जो यहाँ वर्कर्स आए हुए हैं, जो डॉक्टर्स आए हुए हैं उनको सुनना है, अपना ऊपर के ऊपर बताना है। हम चाहते रोगमुक्त रिसोर्ट, हम चाहते रोगमुक्त रिसोर्ट तहसील, हम चाहते रोगमुक्त महाराष्ट्र, हम चाहते रोगमुक्त भारत। देखते हैं आप सबके कोऑपरेशन से, ईश्वर की कृपा से हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग यहाँ पर आए और हम तीनों भाई यहाँ आज खड़े हुए, और आज हम पुरुषोत्तम भैया का 74th बर्थडे मना रहे हैं यहाँ पर, और 75th बर्थडे में एंट्रेंस ले रहे हैं। एक साल पूरा ये हम काम करते रहेंगे और जीवन भर करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। हमको मातृभूमि का कर्जा चुकाना है, वो तो कभी कर्जा चुकता नहीं रहता। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम गरीब से गरीब लोगों को सेवा करें। धन्यवाद।